क्वेश्चन नंबर 24 इवेल्यूट फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या क्या मैंने एक्चुअली फर्स्ट पार्ट है अपने पास आयोटा की पावर 80। ठीक है, तो हमें इसे इवेल्यूट करना है। देखिए, देखो अपने पास आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, एंड आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, सो ये कितना आ जाएगा -आयोटा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एंड आयोटा फोर कितना होगा अपने पास, आयोटा दी पावर 4, ये हो जाएगा अपने पास आयोटा स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा -1 × -1, सो ये क्या आएगा 1। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू होता है -आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 होता है 1। ठीक है, तो ये जो अपने पास 80 है ना, आयोटा की पावर 80, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं आयोटा इसकी पावर लिख सकते हैं 4 × 20। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आयोटा की जो पावर है ना, वो 4 के मल्टीपल में है ना। सो आयोटा की पावर 4 कितना होगा अपने पास, आयोटा की पावर ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 × 20। ठीक है, यही तो होगा आयोटा की पावर 4 की होल पावर 20। ठीक है, सो आयोटा की पावर 4 कितना होता है अपने पास 1, और 1 की पावर 20 कितना आएगा 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1। नाउ सेकंड पार्ट क्या है अपने पास, सेकंड पार्ट गिवन है 1/iota। ठीक है, देखो 1 की जगह हम iota टू द पावर 4 रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा iota टू द पावर 4 और अपॉन में iota। ठीक है, सो इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा iota क्यूब। ठीक है, अब हम जानते हैं iota क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -iota। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, -iota। तो सेकंड पार्ट भी हो गया, अब है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, ये गिवन है -√-, और क्या है इसके की होल पावर 31। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं -1 to the power 31 एंड इंटू मल्टीप्लाई √-1 की पावर 31। ठीक है, ये जो 31 पावर है ये यहाँ पे माइनस है, तो ये -1 मान लिया हमने। ठीक है, सो इस पे भी होगी और √-1 पे भी होगी। नाउ -1 की पावर 31 ये पावर क्या है, और तो ये क्या आएगा अपने पास -1। ठीक है, इंटू एंड √-1 इसे हम क्या लिखते हैं आयोटा, तो ये क्या हो गया आयोटा की पावर 31। यहाँ तक क्लियर है? सो -1 × आयोटा की पावर 31। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 28+3। ठीक है, 28+3 कितना होता है अपने पास 31। सो -1 × आयोटा की पावर 28। ठीक है, एंड आयोटा की पावर 3, जब ये पावर प्लस होती है तो वो एक्चुअली होता क्या, मल्टीप्लाई होता है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 28 × आयोटा की पावर 3। ठीक है, सो अब हम जानते हैं आयोटा की पावर 3 कितना होता है अपने पास, -iota। ठीक है, एंड -iota × -1 कितना हो जाएगा आयोटा। ठीक है, × आयोटा की पावर 28। अब आयोटा की पावर 28 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि 4 × 7 कितना होगा 28। सो ये कितना आ जाएगा आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 टू द पावर 7।
तो विच इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया अपने पास आयोटा। अब है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है यहाँ पे करते हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट के बने आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आयोटा 4 की कितनी होती है +1, ठीक है। एंड आयोटा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 6 को हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम प्लस आयोटा की पावर 2 इन, इसको लिख सकते हैं हम 2 into 2 + 3, सो ऐसे आयोटा की पावर 4 + 2 ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो एंड प्लस आयोटा की पावर 7, सो आयोटा की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 + 3 एंड अपॉन में 1 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम -1, ठीक है। एंड प्लस आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं -iota, ठीक है। तो 1 से -1 कैंसिल हुआ, इधर भी 1 से ये +1 कैंसिल हुआ, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास बचा आयोटा की पावर 4 + 2 प्लस आयोटा की पावर 4 + 3, ठीक है। और ये नीचे क्या बचा -iota। नाउ आयोटा की पावर 4 + 2 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 into iota² और ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 into iota³, ठीक है। एंड अपॉन में -iota। सो आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास आयोटा स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 4, 1, तो क्या आएगा आयोटा क्यूब और अपॉन में -iota। नाउ आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है, और आयोटा क्यूब होता है अपने पास -iota, तो ये क्या आ जाएगा अपॉन में -iota। सो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा -1 upon -iota, ठीक है, और +1 क्योंकि आयोटा वो -iota upon -iota कितना हुआ 1। यहाँ तक क्लियर है। सो ये जो -1 है ना ये ऊपर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और अपॉन में -iota, तो ये क्या आ जाएगा +1। तो ये अपने पास आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -iota + 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 4। ठीक है।